सहज समाधि करने के लाभ क्या हैं? सबसे पहले तो आप बहुत सहज होने लग जाते हैं, लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है, आपके सारे काम सहजता से होते हैं, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं रेगुलरली, और ये ध्यान विशेष कर करते हैं, तो हमारे जो डीप रूटेड इम्प्रेशंस है वो रिलीज होते हैं। केवल रिलैक्सेशन देना, ये तो कोई भी ध्यान से आप कर सकते हो, रिलैक्स हो जाते हो, नींद से भी रिलैक्सेशन मिलता है, मगर सहज समाधि का खास बात यही है, डीप रूटेड इम्प्रेशंस को ये रिलीज करता है। आपका कम्युनिकेशन इंक्रीज इम्प्रूव होता है, स्मूथ होता है, आपका एक्सप्रेशन पावरफुल होता है, आपका ऑब्जर्वेशन, आपका परसेप्शन चीज़ों को लेके वो ज़्यादा क्लियर होता है। और जब जीवन में क्लैरिटी आती है, तो क्लैरिटी इज़ द मदर ऑफ क्रिएटिविटी, तो आप बहुत क्रिएटिव होते हैं, आप नई नई चीज़ें सोच पाते हैं, नए नए प्रोजेक्ट कर पाते हैं, और अपनी क्षमताओं से अधिक आप अचीव कर पाते हैं, जो आपकी एबिलिटी नहीं है, या आप जो सोचते हैं यही मेरी एबिलिटी है, इससे कहीं गुना अधिक कॉन्शियसनेस के लेवल पे आप सोच पाते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। इतने समय मैं, जैसे जब से मैंने सहज समाधि करना शुरू किया, लाइफ में एक अलग डायमेंशन खुल गए, एक ऐसी चीज़ें करने लगा मैं जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझसे होगा या मेरे जीवन में होगा। बहुत सारी मैं ऐसी कई चीज़ें गुना सकता हूँ, अपने अंदर के व्यक्तित्व में विकास तो है ही, मगर मेटेरियलिस्टिक वे में भी मैं देखता हूँ कि वो चीज़ें मुझे मिली जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था, है ना। तो बहुत पावरफुल है। और आप जब सहज करते हो तो केवल अपने तक लिमिटेड नहीं रहता इसका अनुभव, आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके फोर फादर्स हैं, फादर हैं, जो निकल जो गुजर चुके हैं, उन सबको भी इसका आशीर्वाद मिलता है। तो इन दिनों तो वैसे भी कुछ ऐसा समय चल रहा है कि हम अपने पितरों को याद करते हैं और उनको उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ये बेस्ट समय है सहज समाधि ज्वाइन करने का। आपने पहले से करा हुआ है तो और लोगों को बताइए, सेवा करिए, सेवा का भी बहुत महत्व है इन दिनों में, और दोबारा करें और मैक्सिमम लोगों तक इस ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, मेरे मैसेज को पहुँचाएँ। और मैंने मैसेज में लिंक दे रखा है, लिंक के अलावा फ़ोन नंबर्स दे रखे हैं, तो इन फ़ोन नंबर्स पे आप मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन लिंक। भानु दीदी के साथ हो रहा है 16 से 18 तारीख, है ना। 16 तारीख को फ्राइडे है तो कई समय पे होगा, और बाकी सैटरडे संडे भानु दीदी लेंगी शाम को 5 से 7। थैंक यू एवरीवन। जय गुरुदेव।